श्री प्रियालाल की प्रेम में सेवा का आनंद लेने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल श्री प्रियालाल जू सरकार को और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। राधे राधे, हरे कृष्णा, श्री हरिदास। श्री प्रियालाल सरकार के आप सभी प्यारे भक्तों के चरणों में मेरा सादर नमन। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत ही आनंद में होंगे और आप सभी को श्री प्रियालाल परिवार की ओर से अक्षय तृतीया और चंदन यात्रा महोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अक्षय तृतीया पर हमारे प्रभु की छटा कैसी थी, उनका श्रृंगार कैसा था, यही मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो प्रभु के श्रृंगार होकर जहाँ प्रभु विराजित होंगे, उसके लिए मैंने ये जगह तैयार कर ली है। देखिए, यहाँ पर मैंने आसन उनका तैयार कर लिया है और यहाँ पर हम पहले प्रभु को चंदन लगाएंगे और तैयार करके पहले यहाँ तैयार करेंगे, वहाँ विराजित करेंगे। और मैंने तीनों के लिए, देखी ये वाली ड्रेस तीनों के लिए सिलेक्ट की है। ये रेड वाली लालजू के लिए सिलेक्ट की है और ये इसका पटका है, पर ये पता नहीं इससे डिफरेंट क्यों आ गया है साथ में, पर कोई बात नहीं। और येलो वाली प्रियाजू के लिए है, तो प्रियाजू को मैंने पोशाक धारण करा दी है। और पिंक वाली मधुर बिहारी जी के लिए सिलेक्ट की है। तो अब जैसे आपको पता है कि हम पहले प्रभु का मेकअप करेंगे, उनके लड्डू, उनके नेल्स और उनके लिप्स को कलर करेंगे, तो देखिए मैंने मधुर बिहारी जी को यहाँ पर पहले तैयार कर लिया है और प्रियाजू को भी मैंने तैयार कर लिया है। यदि आप डिटेल में देखना चाहते हैं कि मैं कैसे करके इनका मेकअप करती हूँ, तो मैंने रिसेंटली ही अभी एक वीडियो शेयर की है चंदन यात्रा महोत्सव पर प्रभु को चंदन लगाने की। वैसे आज भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पूरा श्रृंगार तीनों का करेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपको बहुत आनंद आएगा तीनों का श्रृंगार देखने में आपको बहुत आनंद आएगा। तो आप एंड तक वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपने रिव्यू भी मेरे साथ में शेयर कीजिएगा। साथ ही आपने अपनी लाडली लाल सरकार को कैसे तैयार किया था, ये भी आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा इंस्टाग्राम पर। तो लालजू को मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ, फिर इसके बाद हम यहीं पर विराजित करके इन्हें पहले चंदन से इनका श्रृंगार करेंगे और फिर बाकी सारा इनका श्रृंगार करके और जो हमने गादी तैयार की है प्रभु की, वहाँ पर इन्हें विराजित करेंगे। और अक्षय तृतीया पर प्रभु का चंदन श्रृंगार बहुत ही सुंदर हुआ था, प्रभु की छटा बहुत ही सुंदर लग रही थी। आप आगे दर्शन करेंगे ही, और आपने किस तरह से श्रृंगार किया था प्रभु का, आप मेरे साथ में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और देखिए, चंदन यात्रा अभी 21 दिनों तक चलने वाली है, तो हम 21 दिनों तक प्रभु का चंदन से श्रृंगार करेंगे जब जब पॉसिबल हो सका। कोशिश हम ऐसी करें कि हम रोज़ ही प्रभु का चंदन से श्रृंगार कर सकें। तो देखिए, अब मैं यहाँ पर तीनों के अधो रंग रही हूँ, यानी लिप्स कलर कर रही हूँ। तो प्रियाजू के मैं यहाँ पर अधर को लाली लगा रही हूँ, मतलब ये लिपस्टिक नहीं है, कुमकुम बिंदी है, इसी से मैं लगाती हूँ स्टिक की हेल्प से। और यदि देखिए आपके लाडली लाल सरकार का यदि मेकअप किया हुआ है, तो कोई बात ही नहीं है, फिर आप डायरेक्ट चंदन से श्रृंगार कर सकते हैं। यदि नहीं किया हुआ है, तो आप इस तरह से उनका श्रृंगार कर सकते हैं। तो मैंने तीनों के लिए लेप चंदन तैयार कर लिया है, उसके लिए मैंने ये वाला गोपी चंदन पीला वाला, और वो जो शुरू में दिखाया वो पीला वाला चंदन पाउडर, और ये एक श्रीधाम चंदन जो वेट फॉर्म में आता है यानी गीला, वो लिया है। थोड़ा सा मैंने ये वाइट वाला गोपी चंदन का पाउडर लेकर के और ये लेप प्रभु के लिए तैयार कर लिया है। इसमें मैंने कुछ एक बूंदे इत्र की भी मिला दी है, जिससे भीनी भीनी सुगंध हमारी सरकार को मिलती रहे। और अब देखिए, मधुर बिहारी जी बिल्कुल तैयार हैं। मधुर बिहारी जी तो सबसे आगे रहते हैं तैयार होने के लिए, तो सबसे पहले मैं इन्हीं को चंदन लगा रही हूँ इस तरह से। तो लेप मैंने, जैसा कि आपको पहले भी बताया था, कि हमें प्रभु के लिए जो लेप तैयार करना है वो एकदम पतला होना चाहिए। पतला लेप इसलिए कहा जाता है कि जो लेप है वो पतला इसीलिए तैयार करना चाहिए, क्योंकि जैसे आपने कभी अपने चेहरे पर कोई फेस पैक लगाया हो या बेसन का उपटन लगाया हो, या फिर कभी जैसे स्किन पर कुछ लोग मुल्तानी मिट्टी भी लगाते हैं, तो यदि उसका देखिए जो घोल हम बनाते हैं वो गाढ़ा होते कंसिस्टेंसी में होता है, तो हमारी स्किन उतनी ही खिंचती है, हमें खिंचाव सा फील होता है अपनी स्किन पर, है ना। तो इसीलिए इस बात का हरिभक्त गोपाल जी के जो लाडले हैं वो इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं कि जो उनके लिए चंदन का लेप बनाया जाता है वो गाढ़ा ना हो करके पतला इसीलिए बनाया जाता है, ताकि हमारे प्रभु को उससे कोई समस्या ना हो। और देखिए, हमारे साथ ही साथ मधुर बिहारी जी को चंदन लग रहा है और प्रभु भी बहुत खुश हैं। अच्छा, मुझसे एक हरिभक्त ने इंस्टाग्राम पर पूछा था कि
गोपाल जी को जो है चंदन सुबह लगाना है या दोपहर को लगाना है, तो देखिए आप अपने लाला को जब भी स्नान से निवृत्त करा दें उसके बाद आप चंदन की सेवा दीजिए उन्हें, क्योंकि दोपहर में तो वैसे ही बहुत गर्मी होती है और अभी तो क्या है कि सुबह से ही गर्मी बहुत शुरू हो गई है, सुबह से ही गर्मी लगना बहुत लगने लगती है सुबह से ही। तो आप यदि जल्दी सुबह ठाकुर जी को स्नान करा देते हैं तो उसके बाद ही आप प्रेम सहित उन्हें चंदन की सेवा दीजिए, जैसी आपसे बन सके आप वैसी सेवा प्रभु को जरूर दीजिए। और फिर दोपहर में चंदन लगाने के बाद यदि आप रात तक रखना चाहते हैं तो उसे रात तक रखिए, या फिर आप अगले दिन तक रखना चाहते हैं तो आप अगले दिन तक भी उसे रख सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। और साथ ही देखिए हमारे मधुर बिहारी जी को चंदन लग चुका है, अब इनके जो लिप्स देखिए, जो लिप्स को हमने कलर किया था, जो भी चंदन उस पर लग गया उसे हम बाद में ठीक कर देंगे। और अभी हम प्रिया जी को चंदन लगा रहे हैं, तो मैं प्रिया जी को उनके मस्तक पर श्री हस्त कमल और श्री चरणों पर चंदन की सेवा दूंगी, क्योंकि जो अधिकतर हरिभक्त है वो किशोरी जी को जो है इसी तरह से चंदन की सेवा देते हैं। यदि आप पूरे श्री विग्रह पर लगाना चाहते हैं तो ये आपका भाव है। अच्छा, पहले मैंने पिंक वाला जो पोशाक है वो सोचा था कि मैं प्रिया जी को पहनाऊंगी, लेकिन वो फिर प्रिया जी के लिए बड़ा हो रहा था, तो फिर मैंने इन्हें ये पीला वाला धारण करवाया है और लाल जू रेड वाला धारण करेंगे और मधुर बिहारी जी पिंक वाला। वैसे मैं प्री प्लानिंग नहीं करती हूँ इनकी कुछ भी, क्योंकि आप कुछ भी प्लान करके रखो होगा वही जो इन तीनों की इच्छा होगी, इसलिए मैं कुछ भी पहले से सोचकर नहीं रखती हूँ। एट द मोमेंट इनको जो पसंद आता है, जैसा इनको श्रृंगार कराना होता है ये करा ही लेते हैं, या आप सबके साथ भी होता होगा, भले ही हम कुछ भी सिलेक्ट करके रखें पहले से, ठाकुर जी को जो पहनना जैसे श्रृंगार कराना हो वो तुरंत उसी तरह से करवाते हैं। अब देखिए जो चंदन बच गया है तो इसके लिए हमें वरी नहीं होना है, इसे हम अगले दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं प्रिया जू के आईब्रोज ड्रॉ कर रही हूँ और काजल लगाऊंगी उनको, तो काजल लगाने से और इनके आईब्रोज बनाने से जो इनका लुक है वो एकदम चेंज हो जाता है, बहुत सुंदर निखर के और निखर के इनकी जो सुंदरता है वो और आती है उभर के, इसीलिए इनकी आईब्रोज और जो आँखों में काजल है वो आप ज़रूर लगाया कीजिए। और चंदन श्रृंगार में तो जरूर ही, वैसे भी नित्य प्रभु को तो बहुत पसंद है। देखिए मधुर बिहारी जी लाल जो तीनों ही तैयार हो गए हैं, और जो ऊपर थोड़ा सा आपको चंदन बिंदी के ऊपर निकला हुआ दिख रहा है तो वो मैंने निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हम इन्हें तिलक लगाएंगे, इसीलिए मैंने वहाँ का थोड़ा सा चंदन हटा दिया है, क्योंकि फिर हम जो वैक्स लगाते हैं चंदन लगा हुआ होता है तो वो उसके साथ निकल जाता है वापस से, इसीलिए वहाँ का थोड़ा सा चंदन हमने निकाल दिया है। चंदन श्रृंगार में पत्र रचना की जाती है तो वो मुझे बहुत सुंदर लगती है, तो चंदन श्रृंगार और पत्र रचना वाला श्रृंगार मैं जल्दी आपके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि चंदन की एक लेयर होती है तो उस पर पत्र रचना बहुत सुंदर बनती है और वो ठाकुर जी के श्रृंगार पर और सुंदर भी लगती है। और साथ ही हम पुष्प से भी आगे श्रृंगार करेंगे प्रभु का, तो 21 दिनों तक जो ये यात्रा चलने वाली है उसमें हम प्रभु का अलग अलग तरह से श्रृंगार करेंगे, तो उसकी वीडियोस भी मैं आपके साथ में शेयर करते रहूँगी, इसके लिए आप चैनल से कनेक्टेड रहिएगा। और यहाँ पर हमारे प्रभु के थोड़ी पर जो कहते हैं हीरा लाल, तो वही नग वाली बिंदी इनको लगा दे रही हूँ यहाँ पर। और अब मैं इन्हें इनकी पोशाक धारण करवा दूंगी और फिर अलग अलग तीनों का श्रृंगार करके और हम इन्हें इनकी गादी पर विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले मधुर बिहारी जी को मैंने पोशाक पहना दी है, अब लाल जी को मैं पहना रही हूँ इनकी पोशाक। और चूंकि तीनों का ही श्रृंगार शेयर करना था मुझे आपके साथ, तो मैंने वीडियो की स्पीड यहाँ तेज कर रखी है, वरना बहुत ज़्यादा लंबी फिर वीडियो हो जाती, तो मैंने इनकी मैचिंग का यहाँ पर इनको एक हार मोती वाला पहना दिया है। अब मैं ये चोकर के जैसा सेट इन्हें पहना रही हूँ, तो बहुत सुंदर लग रहा है प्रभु के ऊपर। ये देखिए, और इनके बाद हम प्रभु को कड़े पहना देंगे उनके, और आज मैं प्रभु के केश जो हैं वो अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि गर्मी बहुत हो रखी है तो मैं आज केश प्रभु को नहीं पहना रही हूँ। तो इंस्टेंट मेरे दिमाग में ही आया कि आज ठाकुर जी को पग बांधते हैं, तो मैंने यहाँ पर सूती
सफेद कलर का कपड़ा उसकी पट्टी ली है, उसी से मैं मधुर बिहारी जी को यहाँ पर पग बांध रही हूँ। तो पग बांधने का वीडियो भी मैंने ऑलरेडी एक शेयर किया हुआ है, कलरफुल पग बांधने का, होली पर बांधने के लिए वो वीडियो मैंने डाला था। आपने यदि चेक नहीं किया है तो आप ज़रूर कीजिए। और इस तरह से मैं एक सेपरेट वीडियो भी अलग से आपके साथ में शेयर कर दूँगी ठाकुर जी को पग बांधने का। तो एक तो ये सूती है तो प्रभु को उससे गर्मी भी नहीं होगी, और फिर ये हल्की जो पग दिख रही है अभी, इसे हम और थोड़ा सा डेकोरेट कर देंगे तो प्रभु को गर्मी में भी समस्या नहीं होगी, साथ ही हमारे प्रभु का श्रृंगार भी बहुत सुंदर लगेगा। और ये वाली कालंगी मैं लगा दूंगी इनको। तो ये रेड वाली लाल जू के लिए थी और इनके लिए जो ग्रीन वाली कालंगी थी, तो देखिए अब इनकी इच्छा थी यही पहन धारण करने की, तो मैंने इन्हें यही वाली लगा दी। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था उस समय, मुझे बिल्कुल ध्यान नहीं रहा। तो ऐसे ही अभी प्रिया और लाल के नेकलेस भी बदला बदली हो जाएंगे, तो ये तीनों इनकी मस्ती ऐसे ही चलती रहती है, अपनी चीज़ें आपस में ऐसे ही शेयर करते हैं। तो जैसी प्रभु की इच्छा वो जैसे खुश हैं, हम वैसे ही खुश हैं। और उसके बाद में ये वाला नेकलेस लेकर के, और देखिए इसे पग पर इस तरह से मैं लपेट कर लगा दे रही हूँ, जिससे हमारी सिंपल सी पग भी बहुत सुंदर लगेगी। और कॉटन की है तो साथ ही प्रभु के मस्तक पर कोई उन्हें गर्मी नहीं लगेगी। जैसे वो फैन की हवा से गिर गया था, अब मधुर बिहारी जी तैयार होकर के और विराजित हो गए हैं। अब लाल जू की बारी आ गई है। ये वाला जो नेकलेस आपने देखा, ये लो मोती वाला, ये वाला मैंने प्रिया जू के लिए सिलेक्ट किया था क्योंकि उनकी येलो ड्रेस है, लेकिन ये देखिए ये लाल जू ने धारण कर लिया। रेड कलर के मोती वाला है तो वो प्रिया जू धारण करेंगी। तो ये सब ऐसे ही अपनी आपस में सारी चीज़ें एक्सचेंज शेयर करते रहते हैं, मिल बांट करके ऐसे इनका प्रेम आपस में चलता रहता है। और अब मैं लाल जू को पग बांध रही हूँ। तो लाल जू की पग मधुर बिहारी जी से भी और भी सुंदर बनी थी, क्योंकि इसका जो पट्टी थी वो थोड़ी ज़्यादा लंबी थी। मधुर बिहारी जी की भी सुंदर बनी थी, पर लाल जू की पग और भी ज़्यादा सुंदर लग रही थी मुझे। एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ उसे मैंने कट कर दिया है, और अब लाल जू को मैंने इयररिंग्स पहना दिए हैं उनके, और अब हम इनकी पग को भी डेकोरेट कर देंगे। तो ये येलो वाली पंखी वाली कालंगी मैं इन्हें लगा दे रही हूँ, मोर पंखी मैंने लगा दी है, और ये ग्रीन कलर की कालंगी भी इन्हें मैं लगा दूँगी। तो जो ग्रीन कलर की है वो मधुर बिहारी की जो पोशाक है उसमें बॉर्डर दिया है, उससे मैच होती, लेकिन ये लाल जू को धारण करनी थी। तो ये दे दोनों के ही एक एक बार दोनों के ये मोर पंखी और कालंगी गिरी हैं। मैं इन्हें बाद में ही लगाऊंगी, पहले मैं इनके पग को नेकलेस से डेकोरेट कर दूंगी, और अब इन्हें भी मैं फिक्स कर दूंगी। तो लाल जू भी हमारे पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अभी आपको उनका मुखचंद नहीं दिख रहा है, लेकिन अभी जब प्रभु विराजित हो जाएंगे तब आपको मुखचंद्र के दर्शन होंगे। और अब हमारी लाडली प्रिया जू की बारी है तैयार होने की। तो इन्हें मैंने ज्वेलरी ऑलमोस्ट सारी पहना दी है, और इन्हें मैं ये वाले केश लगा रही हूँ, और ये चंद्रिका, इन्हें आज हम चंद्रिका धारण करवाएंगे अपनी प्रिया जू को। तो मैं इसे फिक्स कर रही हूँ ताकि ये बार बार गिरे ना। तो ये चंद्रिका हमने धारण करा दी। एक इयररिंग है, इसे मैं मांग टीके की तरह यहाँ पर लगा दे रही हूँ प्रिया जू को, और प्रिया जू भी अपने आसन पर विराजित हो गई हैं। ये हमारे तीनों के दर्शन हैं, दर्शनों की बलिहारी है। और अभी जो थोड़ा बहुत श्रृंगार बचा हुआ है तो मैं वो कर दे रही हूँ यहाँ पे इनके हाथों पर। मैं ये वाले जो स्टिकर टाइप से हैं ये लगा दे रही हूँ, मैंने ये अलग से इनके हाथों में लगाने के लिए रख रखे हैं। और प्रिया जी को हम उनकी चुनरी धारण करवा देंगे प्यारी सी। और अब तीनों की बांसुरी उन्हें हम दे देंगे। और अब मैं इन्हें इत्र की सेवा दे दे रही हूँ।
तो हमें बस चंदन यात्रा महोत्सव के दौरान जो हम श्रृंगार करेंगे तो हमें सुंदर सुंदर श्रृंगार के साथ साथ हमें गर्मियों का भी ध्यान रखना है कि प्रभु को कोई परेशानी ना हो और वो कंफर्टेबल रहे। इसके बाद मैं पुष्प की सेवा दे दे रही हूँ, पुष्प कर देंगे हम प्रभु को। तो ये वाले फ्लावर हैं तो इन्हें मैं बंच की तरह एक साथ इकट्ठे करके और पीछे के साइड में यहाँ पर रख दूँगी। और ये जासून के फूल हैं, जासून के पुष्प हैं, इन्हें मैं रख दूँगी यहाँ पर। तो पुष्प से हम इस तरह से सजा देंगे यहाँ पर इनकी जो आसन है जहाँ पर हमारे प्रभु विराजित है उसे मैं सजा दूँगी। पुष्प अर्पण करने के बाद इनके जो पटके थे तो मैं ये इन्हें रखना भूल गई थी इनके साथ में, तो अब हम प्रभु को पटका धारण करा देंगे। प्रियाजू को मैंने पटका नहीं लगाया है, उन्हें हमने चुनरी ओढ़ा दी है तो प्रियाजू का पटका मैंने उन्हें धारण नहीं करवाया है। और अब हम दर्पण सेवा दे देंगे, सुंदर सुंदर प्यारे से श्री मुखचंद्र के इन्हें हम दर्शन करवा देंगे अपनी सरकार को। और बस यहाँ पर हम बलाए ले लेंगे कि हमारी सरकार को किसी की नज़र ना लगे बस। और देखिए पास अब हमारी सरकार के दर्शन कर लीजिए। प्रिया लाल जो मधुर बिहारी जी कैसे लग रहे हैं, तो इनके फाइनल श्रृंगार का जो लुक है आप देखिए, प्रभु हमारे कितने सुंदर लग रहे हैं। आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ में अक्षय तृतीया पर विशेष चंदन श्रृंगार का जो दर्शन थे तो वो सारा मैंने आपके साथ में शेयर किया। वीडियो आपको यदि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स फैमिली और रिलेटिव के साथ में शेयर भी जरूर कीजिएगा। और आप भी अपनी गोपाल जी और राधा रानी का जो सुंदर सुंदर श्रृंगार करते हैं तो उसके दर्शन आप मेरे साथ में शेयर जरूर कीजिए इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यदि चैनल के रिगार्डिंग यदि आपका कोई सजेशन हो या फिर आप कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस यही थी आज की वीडियो। और हाँ, यदि आप भी हमारे श्री प्रियालाल परिवार से जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर लीजिएगा, जिससे प्रियालाल जी और मधुर बिहारी जी के जो भी श्रृंगार दर्शन अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको फटाफट से मिल जाया करे। और भी जो सेवा से रिलेटेड वीडियोस अपलोड होते रहते हैं तो वो उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। वीडियो पर अपने रिव्यू आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। और ये देखिए जो भोग प्रसादम है तो ये मैंने उस दिन हलवा बनाया था प्रभु के लिए। और यदि आपकी भी कोई और इच्छा है या आप अपनी तरफ से कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर उसके लिए मैसेज कीजिए या कमेंट में बताइएगा, आपके साथ शेयर करने में मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो बस आप कीजिए हमारी सरकार के प्यारे से दर्शन। मैं मिलती हूँ आपसे प्यारे प्रभु की सेवा से रिलेटेड एक नई वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए आप सभी को मेरी प्रेम भरी राधे राधे। हरे कृष्णा श्री हरिदास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।